हेलो एवरीवन। तो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल फॉर यू रेसिपीज में। तो आज मैं आपके एक बहुत ही प्यारी सी मस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। ऐसी रेसिपी है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बहुत सारा स्वाद है, और जैसे आपकी जीभ होती है ना, कभी कभी ये कहती है कि मुझे तो अभी कुछ खाने के लिए चाहिए चाहिए तो चाहिए, वरना मैं जान दे दूंगी। वो वाली चीज़ है कि आप फटाफट इसको बना के तैयार कर सकते हो, आपकी जीभ को जान देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और टेस्ट ऑसम। तो फटाफट आ जाओ, शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो ये ले लिया मैंने यहाँ पे 50 ग्राम सॉल्टेड बटर। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा काट पीट के थोड़ा सा मुलायम सा कर लेना है। अब सर्दियों का टाइम है तो अब तो ये बाज नहीं आने वाला है इस तरीके से। तो आप क्या करो, गैस के ऊपर ले जाओ और उसको थोड़ा सा करो गर्म। ये देखो, थोड़ा सा गर्म कर लिया, हल्का सा पिघल गया। चम्मच से इसको दबाओ, उसकी कुटाई पिटाई करो और बस, ये हमारा मुलायम सा हो गया तैयार। आपको उसको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी ये नहीं कि बहुत पतला कर दिया, पिघला दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि ब्रेड पे आप आसानी से इसको लगा सको, उसको आराम से फैला सको। अगर बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो कैसे फैलाओगे, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो भी नहीं फैला पाओगे। तो अब यहाँ पे मैंने ले ली है ब्राउन शुगर। तो ब्राउन शुगर को मैंने हल्का सा पीस लिया, बहुत ज़्यादा नहीं पीसा, उसमें दाने दाने से रहने चाहिए। तो ब्राउन शुगर की जगह आप वाइट वाली शुगर भी ले सकते हैं, जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उससे टेस्ट थोड़ा कम आता है, इससे ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये मैं इसमें डालूंगी 4 बड़े चम्मच। आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा तो करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ कम ज़रूर कर सकते हैं। अब अच्छे से बटर को और चीनी को मिला लेंगे। अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि हम घी इस्तेमाल कर सकते हैं बटर की जगह। देखो, बटर से टेस्ट अलग आता है, घी से टेस्ट अलग आता है, पहली चीज़ तो ये है। और अगर आप घी यूज़ करना ही चाहते हैं, इस्तेमाल करना ही चाहते हैं, तो आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 2-3 चुटकी नमक डाल देना और थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर, और फिर सफ़ेद जो चीनी है वो थोड़ी सी हल्की सी पीस के उसमें डाल के, और फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखो कितना बढ़िया बन गया ना पेस्ट जैसा, कितने आराम से मैं ब्रेड के ऊपर लगा पा रही हूँ। अब एक तरफ तो लग जाता है ये, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि या तो आप क्या करोगे कि तवे पे डालने के बाद लगाओगे, वहाँ पे क्या होता है कि इतना गर्म हो जाता है कि आपकी बैंड बज सकती है लगाते हुए। तो एक ब्रेड लो और उसी के ऊपर इसको पलट दो और इस तरीके से लगा लो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक नॉन स्टिक तवा, और ये देखो जब मैं इसको ब्रेड को दूसरे ब्रेड से अलग कर रही हूँ तो बस हल्का सा ही उस पर लगा हुआ है। देखो, ज़्यादा नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है। तो अब गैस को आपको कितना रखना है, लो से थोड़ा सा ज़्यादा। ध्यान रखना गैस को बिल्कुल कम कर देना, और कम से बस थोड़ा सा ज़्यादा आपको रखना है। अगर बहुत कम गैस पर आप इसको पकाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा पकने में। अगर बहुत तेज़ आँच पर पकाओगे तो उससे क्या होगा कि जो चीनी है इसके अंदर वो जलना शुरू हो जाएगी, और जलना शुरू हो जाएगी तो पहले तो वो होगी ब्राउन, यानी कि पहले तो वो होगी भूरी, और उसके बाद ये देखो फिसलता हुआ कहाँ जा रहा है। तो पहले तो वो होगी भूरी और उसके बाद वो काली रहेगी जल के। उससे क्या होगा कि जो आपका टोस्ट है, ये जो टॉफी टोस्ट है, जो भी आप इसको कहें, ये कड़वा लगेगा। तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि गैस आपको ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है। तो ये देखो मैंने क्या किया, जो चारों तरफ जो लग रहा था कैरेमल, जो चीनी का हिस्सा था, उसे हटा दिया, जिससे कि वो ज़्यादा जल के इसको ना वो ना कर दे, कड़वा ना कर दे, काला ना कर दे। तो इस तरीके का बेहतरीन सा कलर आना चाहिए आपका जो टोस्ट है उसके ऊपर। और जब भी आप दूसरी ब्रेड डालें, नई ब्रेड डालें, तो जो आपका तवा है उसको पोंछ लें, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही चीनी होती है, तो वो और ज़्यादा पकेगी तो वो काली हो जाएगी। तो यही बातें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना है। तो क्या आप इसका कलर देख सकते हो कितना प्यारा है, और कलर तो छोड़ो, उसमें से जो खुशबू आ रही है ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं तवे पे अभी कूद के इसको खा लूँ, पर ये गलती मत करना, जल जाओगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि बटर और चीनी इधर उधर भाग रही है ना कूद कूद के, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको ब्रेड को उठा रही हूँ और उसके ऊपर रख के और बीच में खींच ले रही हूँ। तो इससे क्या होगा, जो चीनी और बटर है वो पूरा ब्रेड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और इसका जो रंग है ना, वो बिल्कुल भी काला मत होने देना, काला हो जाएगा तो समझ लो कांड कर दिया आपने, बिल्कुल कड़वा लगेगा आपको खाने में। 5 मिनट के लिए आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना। आवाज़ सुन रहे हो, सुन क्या रहे होंगे, कान फट रहे होंगे, इतनी भयंकर आवाज़ है इसकी। ये देख रहे हो कितना मस्त इसका टेक्सचर है, बाहर से बिल्कुल टॉफी जैसा और अंदर से सॉफ्टनेस है इसके अंदर। अब ऐसे तो मज़ा नहीं आ रहा है ना, खा के थोड़ा सा आपको चिढ़ा लेती हूँ। बहुत बेहतरीन है, बहुत यमी है, आप समझ ही सकते हैं इसकी आवाज़ से कि ये कितना यमी होगा। इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत आसान रेसिपी है, फटाफट बन जाती है और टेस्ट बहुत औसम है। जो बटर का और बटर के अंदर जो नमक होता है, और ये जो ब्राउन शुगर है, इनका सबका कॉम्बिनेशन ना बहुत ही गजब का रहा है। तो
इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आई है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया। तो इन्जॉय कीजिए बहुत ही यमी सी प्यारी सी क्यूट सी रेसिपी। टिल देन टेक केयर, इन्जॉय एंड बाय बाय।